जय हिंद दोस्तों। तकरीबन 10 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक स्क्रीनशॉट की वजह से मेरे युवा भाई है काफी असमंज की स्थिति में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हकीकत है, रियल है, फेक है, क्या है। जिसमें बताया गया है कि 2022 के अंदर 2022 में जो इंडियन आर्मी की भर्तियां होगी उसमें एज में 2 साल की छूट दी जाएगी। न्यूज रियल या फेक है, ये टॉपिक बताने से पहले मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यूट्यूबर युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं और युवा अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं। ये 2 विषय मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही चेंजमेंट होने वाला है। तो अभी मैं शुरू करना चाहूंगा कि आप लोग यानी जो युवा पीढ़ी है जो इंडियन आर्मी का सपना सजोए बैठे हैं तो वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आप लोग गांव में रह रहे हो तो उसमें आपके सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, और प्लस मैं आपको एक और आइडिया बताना चाहूंगा कि आपके जो एनसीयू है, जो आर्मी से रिटायर्ड है, एनसीयू है, जेएसयू है या आर्मी ऑफिसर्स है, यदि आपकी बात पहुंचा सकते हो, उनको उनको समझा सकते हो तो वो आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। उनको लेके जैसे सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, और आर्मी से कोई रिटायर्ड यदि इंटरेस्ट रखता है इस चीज में तो आप लोग उनके पास जाइए, काफी संख्या में जाइए बंदे, और आप अपनी बात रखिए उनके पास कि श्रीमान ये 2 साल से भर्तियां नहीं आ रही है और हम 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी की रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियां नहीं आने की वजह से हमारी एज निकल गई है, तो इसके लिए हमारे को सरकार की तरफ से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, और ये मिलना चाहिए। ऐसा मैं बोलता हूं कि आपको वो 2 साल की एज का जिसमें आपकी एज निकल गई है उसका आपको फायदा मिलना चाहिए। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी मैं एक बताता हूं आपको, जैसे आप चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, वो हमारे लिए काम करेंगे तो आप लोग आवाज उठाओगे। यदि बंदा कोई उठेगा, आगे बढ़ेगा, सोचने से या बैठे रहने से नहीं होगा मेरे भाई। शिवरतन सर सब कुछ कर देगा, वो एक आर्मी से रिटायर्ड है या यूट्यूबर, हाँ करूंगा मैं, जितना आपकी मतलब कोई समस्या होगी, जायज कोई समस्या है उसके लिए मैं बैठा हूं और आपकी आवाज उठाता रहता हूं, यदि कोई जायज पॉइंट है तो। तो ये अभी जैसे मेरे पास अभी 10 दिन से कॉल आ रहे थे, तो अभी मैं फ्री हुआ और आपके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूं, और आपको भी उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें भागीदार बनना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, आपका सरपंच है, मुखिया या आर्मी से कोई रिटायर्ड, कोई भी एनसीओ जेसीओ या आर्मी अफसर हो, उनको साथ लेके अपना एक लिखित में, रिटर्न में जिसको बोलते हैं, एक ज्ञापन दीजिए उनको कि जो एक प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से, जैसे उसको एप्लीकेशन बोल सकते हैं या लेटर बोल सकते हैं, वहां की आप लोकल जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, जोड़ के आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो संसद में बैठता है वहां तक आप अपनी रिटर्न में लिख के दो उनको, और वो वहां आवाज उठाएंगे। जैसे हमारे नागौर के मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हनुमान जी बेनीवाल है, बिल्कुल आर्मी से संबंधित हमारी कोई भी समस्या होती है बिल्कुल आवाज उठाते हैं वो, मैं मतलब उनका एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन हमारे नागौर के इतने बंदे एक्टिव हैं कि हम उन तक बात पहुंचा देते हैं तो वो भी आगे जाके संसद में अपनी बात मतलब रखते हैं। लेकिन कोई जगाने वाला चाहिए तो आप लोग खुद भी जागो, और मैं बता रहा हूं खासकर ये मैंने लोकल स्तर पर बता दिया है, और बाकी मैं यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, हम अपने व्यूज के लिए या अपने चैनल के लिए जो युवा पीढ़ी, जैसे मैं एक डिफेंस एकेडमी चला रहा हूं साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो किसकी वजह से, ये आप लोगों की वजह से, मेरे युवा पीढ़ी की वजह से, मेरे जितने भी 7 लाख सब्सक्राइबर है, 2 साल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि 7 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, वो मेरा एक परिवार है। सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसमें हम अपनी सही आवाज उठा सकते हैं, तो जिसके लिए मैं लक्की फौजी आपके साथ खड़ा हूं आर्मी रिटायर्ड होने के नाते, प्लस यदि मैं डिफेंस एकेडमी चला रहा हूं और प्लस मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आज मेरे युवा भाइयों की वजह से, उसका मैं एहसान मानता हूं कि मेरा जो नॉलेज था आप लोगों ने लिया,
जो नॉलेज मैंने आपको दिया वो आपने नॉलेज लिया, लेकिन उसके बदले आपने मेरे को सब्सक्राइब भी दिए, व्यूज भी दिए, तो मैं आपका एहसान मानता हूं। और मैं एहसान के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि मेरा एक चैनल नहीं है, मेरे जितने 7 लाख सब्सक्राइबर है मेरा एक परिवार है, मैं परिवार मानता हूं। मेरे अकेडमी में बच्चे आते हैं, उनको भी बोलता हूं, बच्चे अकेडमी मेरी नहीं है, ये अकेडमी आप लोगों की है, आपका घर है ये। तो मतलब ये एक सोच रहती है मेरी कि भाई मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारा सब कुछ है, मिलके एक चीज बनता है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो वही मैं बात बताना चाह रहा हूं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम अपने व्यूज के लिए मान लो चाहे किसके लिए भी मान लो कि आप इनकी आवाज उठाओ, ये एक जायज मुद्दा है मेरे भाई, जायज मुद्दा है। अब बंदा जाए तो कहां जाए, मेरे को फोन करके बता सकता है, सिवर्तन सर मैं आपका वीडियो देखता हूं, आपका यूट्यूब देखता हूं, आपकी मैं एकेडमी में आया हुआ हूं, सर हमारी एज निकल रही है, तो एज निकले तो मेरे भाई मैं आपके साथ और बाकी यूट्यूबर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाए। जितने भी यूट्यूबर्स, खासकर जो आर्मी का चैनल बनाते हैं, आर्मी या डिफेंस एकेडमी वाले हैं, जिनके यूट्यूब चैनल है, तो इन मेरे भाइयों की जिनकी 2 साल एज निकलती जा रही है या निकल चुकी है, तो इसके इनके पक्ष में बिल्कुल आपको एक वीडियो बनाना ही होगा। ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट मान सकते हो या कुछ भी आप मान सकते हो, जिनसे इन मेरे भाइयों को, नौजवानों को कुछ ना कुछ फायदा मिल सके, हो सके हम 10 बंदे वीडियो बनाएंगे तो एक की आवाज तो कोई ना कोई सुनेगा। जितने ज्यादा वीडियोज बनेंगे उतना ही फायदा इन नौजवानों को होगा, और हमारी वीडियो बनाने से कुछ अच्छा करने से कुछ अच्छा होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मैं कहने का मतलब, मैं टॉपिक ये बता दिया है कि आपको अपने स्तर पर क्या कर सकते हो, उसके बाद यूट्यूबर्स हम क्या कर सकते हैं, और मैं आपके साथ खड़ा हूं इसमें, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी ये बताऊंगा कि अभी ये जो न्यूज है ये फेक है या रियल है, तो इसका मैंने आज कल रात को ही पता किया है। PIB एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जो ये पड़ताल करता है कि जो भी सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज चलती है, ये कुछ चलता है कि इसकी जांच करती है, ये गवर्नमेंट की एक संस्था है PIB। तो इसमें हमने रात को ही, मैंने कल चेक किया इसके अंदर, तो ये न्यूज अभी तक फेक बताई जा रही है। तो कोई बात नहीं है, न्यूज फेक है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आप लोग और क्या चाहते हो, तो इसमें जो आज का वीडियो बनाया, इसमें जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, तो कल का वीडियो मतलब कल लाइव आऊंगा, कल रात को 8 बजे, मुद्दा ओनली यही रहेगा कि 2 साल में आपको छूट दी जाए, यही मुद्दा रहेगा कल के लाइव सेशन में। तो इसके लिए आपको कमेंट्स करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना है, और कल लाइव में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करना, जिससे क्या हो, हमारी जो भी आवाज है, आपके जो पॉइंट्स है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैले और सरकार की कानों तक आपकी मेरी आवाज पहुंच सके। यदि आप चाहोगे और वीडियो बनाना है, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, अपनी राय भेज सकते हो, बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई, जिससे ये वीडियो का सभी मेरे भाइयों को पता चले और उनको उनका बेनिफिट, उसका फायदा मिल सके। तो आपके लिए आज का वीडियो शायद काफी हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और ज्यादा शेयर के लिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट कर दी है। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना, आपका दोस्त लकी फौजी। जय हिंद, जय भारत।